हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और एक नए वीडियो में जिसका नाम है टपा टप टॉप फाइव मोमेंट्स। तो देखिए, ये मिल टप पावर की जो फैक्ट्री है वहाँ की डो वर्सेस डो की फाइट कैसे निकलते हैं हम। अब यहाँ पे नेड करने के बाद रश करने की बारी थी, क्योंकि एक नॉक आ गया था। तो क्या ही इस वाली डुओ को फिनिश किया है, इस बात पे लाइक तो बनता है। ओह नो। अब लेकर चलता हूँ मोमेंट नंबर फोर में। आखिरी जोन बना था यासनाई की तरफ, और जो आखिरी के कुछ सर्कल थे पूरी तरह से बने थे ओपन में। अब यहाँ पर मेरे टीममेट को नॉक किया था सामने वाले टीम ने, तभी यहाँ पे कवर फायर में इस वाले बंदे को मैंने नॉक किया था। तो उसका टीममेट उसको रिवाइव करने जाता है, और जैसे वो वहाँ पे रिवाइव करने जा रहा था तो मैंने भी मेरे टीममेट को रिवाइव करना उचित समझा, और यहाँ पर मेरे टीममेट को रिवाइव करने लगा। रिवाइव करने के बाद सबसे पहले मैंने ये काम किया, इस वाले गाड़ी के टायर फोड़ दिए, ताकि अब बचे थे हम दो और सामने दो। तो यहाँ पर रोटेशन की ज़रूरत थी, और रोटेशन के लिए चाहिए होती व्हीकल। अगर व्हीकल ही डैमेज है तो भाग नहीं सकते, और जैसे कि हमारे भी व्हीकल डैमेज थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राइट फ्लैंक किया, और यहाँ पे इस वाले बंदे को सपोर्ट कर दिया था मैंने उसमें। तो देखिए क्या होता है भाई, इस वाल ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मैं यहाँ पे प्रोन कही, और कुछ देर के बाद पूरा राइट फ्लैंक मारने के बाद इस तरफ से आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद ये फाइट जो चल रही थी पूरी जोन के बाहर थी। अब इस कॉर्ड को पूरी तरह से हमने घेर लिया था। मेरा टीममेट ऊपर रिच से उनको डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, और मैं यहाँ पे आके प्रोन हो गया, तभी मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, और इस वाले बंदे को मैं AKM से नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर गन स्विच करके अब जोन का डैमेज था, तो आखिरी वाला बंदा जोन में ही जाता है। तो अब बारी है मोमेंट नंबर थ्री की। मोमेंट नंबर थ्री में मैं खेल रहा था स्क्वाड मैच, और आखिरी जोन बना था सेवरनी में, और सेवरनी से भी थोड़े थोड़े से हल्का सा जोन शिफ्ट हो रहा था ओपन में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तभी इस वाली US में ये दो बंदे जाते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे मैंने उनको ज़रा से भी स्पॉट देने की कोशिश नहीं की। A few moments later. और कुछ देर के बाद आ जाता हूँ इस वाले सैक में, और यहाँ पे आने के बाद निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, प्रोन हो जाएंगे, उनका वेट करेंगे, एक के बाद एक आए और मैं आराम से उनको फिनिश कर दूँ। और अब यहाँ पे प्रोन करने के बाद उनका वेट करने लगा, और मिनी मैप में आप देख सकते हो सर्कल कैसा ओपन में बनाए। अब यहाँ पे ओपन में जाना मतलब भाई चिकन डिनर सामने वाले टीम को गिफ्ट में देना हो जाता है। तो जैसे ही ये बंदा आता है तो इसको नॉक और फिनिश कर दिया पल भर में, वो सरप्राइज अटैक कहते हैं जिसको। वो इसका आखिरी बंदा बचा था, 1v1 की सिचुएशन थी, और यहाँ पे गलती हो गई थी, सामने वाले बंदे के हाथ में थी M762। अब मैं वहाँ पे थोड़ा सा जंप करके जल्दी कवर में नहीं जाता तो मैं तो ढिल गया था। यहाँ पे आने के बाद एक फर्स्ट एड किट पॉपअप कर लेता हूँ, और फुटस्टेप के आधार पर बंदे की लोकेशन का अंदाज़ा लगाया, और आसानी से ये वाला चिकन डिनर ले लिया,
तो गाइज आपने वीडियो को लाइक तो किया होगा, जल्द से जल्द शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो अब आपको लेकर चलता हूँ मोमेंट नंबर टू में। मैच खेल रहा था डुओ की, और यहाँ पर जैसे ही लैंड किया तो देखा अगल बगल में कम से कम दो से तीन डुओ उतरी होगी, और यहाँ पे उतरते ही मुझे मिल जाती है एकेएम लेवल टू का हेलमेट, एक स्मोक ग्रेनेड और लेवल वन का बैकपैक। और ये सब उठा के मैं जाता हूँ ऊपर टेरेस पे, और यहाँ पे आने के बाद A few moments later एक बंदा इस वाले बिल्डिंग की तरफ आ रहा था जिसकी मुझे फिस्ट आ रही थी। अब यहाँ पे निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, भाई किसी को अपनी लोकेशन मत दो, वेट करो सामने आने दो और आराम से उसको नॉक कर दो। अब धीरे धीरे वो बंदा मेरी तरफ आ रहा था, मैं भी तैयार था। अब जैसे ही ये बंदा ऊपर आता है तो इसको एक एम से नॉक कर दिया, और एमओ कम होने की वजह से यहाँ पे पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए इसको फिनिश कर दिया। तो जैसे ही इसको फिनिश कर दिया था तो दूसरे वाले बंदे की फुटस्टेप मुझे जो क्लोजिंग कर रहा था उसकी आ गई थी, तो यहाँ पर उसका भी देखे कहाँ पे आ गया, इसको भी निपटा देते। अब इसके आगे एक इंटरेस्टिंग थिंग होती है जो कि आपको देख पाओगे, अभी देखो क्या हो रहा है। अभी इनको लूटने के बाद जैसे ही दो नंबर लूट करते हुए आगे गया तो यहाँ पे दो नंबर को सामने वाले बंदे ने नॉक किया, और नॉक करते ही फिनिश भी कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास तो कोई मौका नहीं था उसको बचाने का या ओपन में जाके फाइट करने का, तो मैंने भी थोड़ा यहाँ पे वेट किया। और जैसे मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ तो देखा कि यहाँ पे स्मोक किया हुआ है, और एक तुक्का समझ के यहाँ पे मैंने स्मोक थ्रू फायर किया तो ये किल आ गया मुझे। बेटे बेटे मौज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब मैं आपको लेकर आया हूँ वीडियो के आखिरी वाले मोमेंट में, मोमेंट नंबर वन में। अब यहाँ पर हुआ ये था मिलिट्री बेस खाली करने के बाद और अपने टीममेट को खो देने के बाद, मैं ये गाड़ी लेके जा ही रहा था मिलिट्री का जो ब्रिज क्रॉस करके, तभी यहाँ पे व्हीकल का ग्लिच हो जाता है और मेरी गाड़ी यहाँ पे ठुक जाती है, और तभी पीछे से दो बंदे आते हैं और यहाँ पे इसका हेडशॉट देखे हेलमेट तोड़ दिया था, और इन्होंने थोड़ा सा मुझे कैम करके रखा था यहाँ पे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से वो दोनों मुझे फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। अभी ये फाइट थोड़ी सी लंबी चलती है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट थी, और आप पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस मोमेंट का सीरियल नंबर क्या होना चाहिए था। अब मैंने मेरे हिसाब से तो दिया है लेकिन आपकी भी राय ज़रा दीजिए मुझे। अब यहाँ पर सामने वाले टीम के दो बंदे और मैं अकेला था, तो वो यहाँ पे मोली करने के लिए थोड़ा फॉल बैक किया, और यहाँ पर तो काम ख़त्म ही होने वाला था, लकीली मैं जल्दी कवर में आ गया इसलिए बाल बाल बच गया। और तभी ये सामने से मोली आ जाती है, अब मेरी भी बारी थी, मैं भी एक नेड़ करूँगा। भाई आपके पास थ्रोएबल है तो मेरे पास भी है, मैं भी मेरे थ्रोएबल का इस्तेमाल करूँगा। और ये नेड़ करने से पहले सामने वाले बंदे की ये मोली आती है और पूरा मेरे नज़दीक आती है, तो देखिए पीछे धुआं भी दिखा होगा आपको को। अब सैक की खिड़कियों से मुझे पता चल रहा था किस बंदे की लोकेशन कहाँ पे, एक स्प्रे दिया उसको ताकि उसको पता चले भाई मैंने तुझे देखा है, ज़्यादा हिलने की कोशिश मत करो। और एक बंदा राइट से, एक बंदा लेफ्ट से, अब मेरे हाथ में था ये आखिरी वाला नेड़,
और ये था भाई बड़ी काम की चीज़, देखिए क्या होता है। अभी इस वाले नेड से इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद बारी थी रश की थी, और मैं यहाँ पे जिगजैग करके यहाँ पे आ गया और प्रोन डाउन करके इस वाले बंदे को आराम से फिनिश कर दिया। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।